शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की ताजपोशी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनदेखी करने पर कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए उसे उनका घमंड करार दिया है। हमीरपुर में राजेंद्र राणा ने कहा कि अनुराग ठाकुर का व्यवहार बिल्कुल गलत था और ये उनके लिए भी ठीक नहीं है। शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के ताजपोशी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनदेखी करने पर कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए उसे उनका घमंड करार दिया। हमीरपुर में राजेंद्र राणा ने कहा कि अनुराग ठाकुर का व्यवहार बिल्कुल गलत था और ये उनके लिए भी ठीक नहीं है। राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ओहदे व उम्र दोनों में अनुराग ठाकुर से बड़े हैं और बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ज्यों ही स्टेज पर आते हैं, जहाँ की प्रदेश अध्यक्ष जो नए डॉक्टर बिंदल बने हैं उनकी ताजपोशी थी और वो एक कॉर्नर पे एक लीडर से हाथ मिलाते हैं और साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े हैं और मुख्यमंत्री हाथ बढ़ाते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, परंतु अनुराग ठाकुर जी उनको इग्नोर करके सीधा जाके तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं। ये पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आदमी के अंदर जो है एक अंदर जो एक गुस्सा होता है या जिसको कह सकते हैं कि घमंड हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता है। और जहां तक अनुराग ठाकुर जी का प्रश्न है, वो एक स्टेट मिनिस्टर हैं केंद्र में और मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और मुख्यमंत्री का एक रुतबा होता है। मुझे लगता है कि उनको इस तरीके से उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। राणा ने कहा कि अनुराग ठाकुर पूर्व में भी कांग्रेस के नेता 6 बार के मुख्यमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के लोग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और इस तरह के आचरण को सहन नहीं करते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है कि अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और जहाँ तक अनुराग ठाकुर जी का इतिहास है, वो पहले भी हमीरपुर में गांधी चौक पर जो 6 बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे राजा वीरभद्र सिंह और केंद्र में भी कई बार मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, उनके प्रति भी गांधी चौक पर एक अभद्र टिप्पणी जो है कर चुके हैं कि उनका चेहरा जो है एक बंदर की तरह है। ऐसी टिप्पणी वो पहले भी कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही संस्कारित प्रदेश है, लोग जो हैं वो ईश्वर को मान के चलते हैं, भोले भाले लोग हैं और यहाँ इस तरह की संस्कृति जो है लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। और मुझे लग रहा है कि अनुराग ठाकुर जी मनसा उनकी क्या थी, परंतु मुख्यमंत्री की इस तरीके से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वैसे भी अगर किसी की ना भी बनती हो, परंतु आप अगर सामने से व्यक्ति हाथ मिलाने का प्रयास कर रहा है तो आप उसको इस तरीके से जलील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये प्रदेश के लिए ठीक नहीं है और किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और उन्होंने जो मुख्यमंत्री की बेइज्जती की है, मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। और उनका स्वभाव है कि वो इस तरह की टिप्पणियां पहले भी करते आए हैं और ये जो टिप्पणी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी जो लड़ाई है, ये मुझे लग रहा है कि अब मंचों पे दिखने लगी है। राणा ने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री की अनदेखी के कारण ही हमीरपुर जिला में विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है और भाजपा की अंदरूनी लड़ाई अब मंच पर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई का खामियाजा हमीरपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपका ये जो लड़ाई आपके सामने दिख रही है, ये अंदर अंदर चल रही थी पहले और यही वजह है कि जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री की टांग खिंचाई करेंगे, उनको आप जलील करेंगे, तो हमीरपुर जिला तो स्वाभाविक है ये इग्नोर होगा। आज हमीरपुर में कोई विकास नहीं हो रहा है, हमीरपुर में कोई इवन की जो मुरम्मत के काम है सड़कों के, वो भी नहीं हो रहे हैं। अगर ये काम नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमीरपुर के जो नेता हैं उनकी मुख्यमंत्री के साथ तालमेल ठीक नहीं है। अंदर खाते मुख्यमंत्री जो है उनको वो परेशान कर रहे हैं या उनको वो जलील करना चाह रहे हैं और इसके पुख्ता उदाहरण है। इससे प्रदेश जो है जहाँ विकास प्रभावित हो रहा है, हमीरपुर जिला काफी प्रभावित हो रहा है।
मुझे लग रहा है कि हमीरपुर के लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपकी किसके साथ बनती है किसके साथ नहीं बनती है, परंतु अगर ऐसी इनका आपस में तनाव रहेगा तो जिला हमीरपुर तो इग्नोर होगा। आप लोग याद कर रहे हैं कि राजा वीरभद्र की सरकार थी और वीरभद्र जी की सरकार में जिला हमीरपुर में कितने काम हुए और कितना विकास हुआ, वो सारी चीज़ें जो आज लोग उस बात की तुलना कर रहे हैं। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार जो है वो नहीं होना चाहिए था।